मैं एक शादीशुदा औरत की मोहब्बत में मुब्तला हूँ। वो मेरी कजन है और हमारा बचपन एक साथ गुजरा है। मुझे बचपन में ही उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई थी, लेकिन कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि कभी मैं उसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। और फिर जब मोहब्बत के इजहार करने का वक्त आया तो हमारे वालदैन की आपस में लड़ाई हो गई। उस लड़ाई की वजह से हम दोनों का मिलना जुलना भी बंद हो गया। और फिर 11 साल बाद हमारे वालदैन की आपस में सुलह हो गई। लेकिन सुलह के वक्त मैं खुश नहीं था, बल्कि मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि जिससे मैं बचपन में मोहब्बत करता था वो किसी और से शादी कर रही थी। उसकी शादी के बाद मैं बहुत टूट गया था। मैं उसे मुकम्मल तौर पर भूलना चाह रहा था, लेकिन भूल नहीं पा रहा था। फिर मेरा एक दिन उससे सोशल मीडिया पर रब्ता हुआ तो मुझे पता चला कि वो अपने ससुराल में जहन्नम जैसी जिंदगी गुजार रही है। जब मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो वो फूट फूट कर रोने लग गई और वो मुझसे कहने लगी कि मैं भी तुमसे बचपन में बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। तो वो मुझसे कहने लगी कि हमारे वालदैन की लड़ाई के बाद मुझे लगता था कि हमारे वालदैन की जल्द सुलह हो जाएगी, लेकिन 11 साल गुजर चुके थे और मेरी उम्मीदें मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। फिर मेरे घर वालों ने मेरी शादी रख दी तो मैंने मान लिया कि तुम मेरी किस्मत में नहीं हो। काश के हमारे वालदैन की लड़ाई कभी ना होती तो मैं आज जहन्नम जैसी जिंदगी ना गुजार रही होती। उसकी बातें सुनकर मुझे भी बहुत ज्यादा रोना आया। मैंने उसे कहा कि तुम उसे तलाक लेकर मुझसे शादी कर लो, लेकिन वो नहीं मानी और वो मुझे कहने लगी कि मैं अपनी खुशियों के लिए अपने बेटे की जिंदगी खराब नहीं कर सकती। वो आज मुझसे दोस्त बनकर बात करती है, लेकिन मैं आज भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा।